60 साल पुराने स्कूल का अस्तित्व बचाने की मुहिम प्रारंभ, शासन के निर्णय से स्कूल के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल 2 की। जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं, शासन ने एक निर्णय किया है जिसके अनुसार एक परिसर में एक ही स्कूल रहेगा, बाकी स्कूलों को बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। इस निर्णय के चलते कई स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, उसमें से एक है गवर्नमेंट स्कूल क्रमांक 2। पूरे प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने में नज़र आएगा जिसमें एक ही परिसर में दो बड़े स्कूल संचालित हों और एक का भविष्य खतरे में पड़ जाए। स्कूल के छात्र, टीचर, प्राचार्य सहित उस क्षेत्र के वार्डवासी इस मुहिम में जुट गए हैं कि स्कूल का भविष्य सुरक्षित रखा जाए। इस मुहिम में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं स्थानीय विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ल। वार्ड क्रमांक 37, 39, 42 और 45 के पार्षद चाहते हैं बिछिया के चौपड़ा स्कूल में इस स्कूल को स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे कई लाभ होंगे। एक ओर जहां चौपड़ा स्कूल का अस्तित्व बरकरार हो जाएगा, जहां अभी उस इलाके के 2 स्कूल संचालित हैं जिसमें लगभग 70 बच्चे पढ़ते हैं। भवन क्षतिग्रस्त होने की वजह से गिनती के बच्चे ही स्कूल आते हैं। बच्चे ना होने से अराजक तत्व स्कूल के दरवाजे खिड़की भी चुरा ले गए। भवन में झाड़ झकाड़ भी उग आए हैं। खेल मैदान उपेक्षित पड़ा है, उसमें रौनक आ जाएगी। वहीं बिछिया इलाके जिसकी आबादी 10,000 के आसपास है और कोई भी शासकीय स्कूल ना होने से बच्चे दूर दराज के स्कूलों में आते हैं, उसको एक स्कूल मिल जाएगा। ये बताएं, जो ये स्कूल की शिफ्टिंग का चल रहा है, इसके लिए आपकी क्या? स्कूल की शिफ्टिंग का जो चल रहा है उसमें कि गवर्नमेंट नंबर 2 जो है काफ़ी पुराना स्कूल है ये, और इसका अस्तित्व न खत्म हो कि यदि चोपड़ा स्कूल जहाँ पर लगभग 2 एकड़ ज़मीन है, अगर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो कई मोहल्लों को फ़ायदा होगा, वहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा और विद्यालय का अस्तित्व भी बचा रहेगा। स्कूल के लिए तो हमारे ये कहना है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने एक योजना लागू किया है अभी, एक परिसर एक शाला। उस योजना के तहत रीवा जिले में एक परिसर में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो लगभग 60 वर्ष पुराने हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो हमारा ये कहना है कि ये विद्यालय गवर्नमेंट क्रमांक 1 में मर्ज होने के बजाय यदि बिछिया चोपड़ा स्कूल के पास ट्रांसफ़र कर दी जाए तो विद्यालय टूटने से भी बच जाएगा और बिछिया चोपड़ा, रानी तारा, इस आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल बनाया है। तो हम लोगों ने माननीय मंत्री से भी इस विषय में बात किया है, पार्षद लोगों ने भी करके दिया है। तो हमारा राज्य जिला प्रशासन से और राज्य शासन से आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि शहर का एक पुराना प्रतिष्ठित विद्यालय टूटने के बजाय बिछिया में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो बिछिया के लोगों को एक बना बनाया स्कूल मिल जाएगा और छात्रों का भी, कर्मचारियों का भी कहीं पर इधर से उधर भागना नहीं पड़ेगा। बिछिया के लोगों को भी एक बिल्कुल सदा सदाया बना बनाया बेहतर स्कूल पढ़ने के लिए। क्या नाम है, किस पद पर है? मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, शिक्षक पद पर यहाँ बस शिक्षक बने। ये शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 रीवा गुड़चौराह पर स्थित है और ये एक साला एक परिसर के हिसाब से ये मर्ज होने जा रही जैसे शासन का आदेश हुआ है। लेकिन पार्षदों, हम लोगों ने भी, शिक्षकों ने भी माननीय मंत्री जी के पास, स्थानीय मंत्री के पास हम लोग गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, ये टूटने ना पाएगी और इसमें शासन स्तर पर कार्रवाई करवाएगी। इसके बाद 4 पार्षदों ने वार्ड पार्षद 37, 39, 42 और 45, ये चारों पार्षदों के लेटर जो है उन्होंने लिख के और मंत्री जी, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है कि अगर ये विद्यालय टूटने के अलावा अगर बिछिया इसमें चले जाए चौपड़ा स्कूल, तो ये है कि एक पुराना विद्यालय बन जाएगा और उपरहटी और कुठुलिया, बिछिया, तरहटी, पांडन टोला और यहाँ के लोगों को, रानी तालाब, यहाँ के लोगों इससे लाभान्वित होंगे, वहाँ के बच्चे पढ़ने आएंगे, क्योंकि चौपड़ा स्कूल बहुत पुराना विद्यालय है, 60-65 वर्ष पुराना है और उसमें कम से कम 2.5-3 एकड़ ज़मीन भी है, तो इस लिहाज से, हार्स कंडी के लिहाज से वो सही है।